हेलो फ्रेंड्स, अगर आप LIC की प्रीमियम जमा करना चाहते हो या एडवांस प्रीमियम जमा करना चाहते हो और पॉलिसी की पूरा डिटेल्स जैसे कि मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी अमाउंट, सर्टिफिकेट, रिसिप्ट कॉपी, ये सब के लिए आप LIC ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और लाइन पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से यह सब कर सकते हो। कैसे किया जाता है इन सब के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा A to Z स्टेप बाई स्टेप करके दिखाऊंगा। चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन LIC जमा करने के लिए आप LIC की ऑफिशियल ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं भी उसी ऐप्स को यूज़ कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए मोबाइल पे प्ले स्टोर ओपन कीजिए, फिर सर्च बॉक्स पर LIC कस्टमर टाइप कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मोबाइल पे, इसलिए यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। आपका यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड फ्रेंड, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इसी ऐप को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। मैं उसी ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऐप्स ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ से आप LIC की सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। यहाँ से क्विक सर्विस ले सकते हो, जैसे कि आप उधर रजिस्टर करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन की पेमेंट जमा कर सकते हो एंड रजिस्टर भी कर सकते हो, और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से फिलअप कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके लिए मेरा अलग सा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। रजिस्टर करने से आप अपना LIC के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो, जैसे कि मैच्योरिटी डेट, टोटल अमाउंट, मेन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए, आप हम डायरेक्ट पेमेंट प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्विक सर्विस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आप पे डायरेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए। डायरेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पे डायरेक्ट प्रीमियम जमा कर सकते हो और व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटस भी देख सकते हो। आप पुराना ट्रांजेक्शन क्या क्या किया है उसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले सकते हो। फिर आप प्लीज़ सिलेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से रिन्यूअल प्रीमियम जमा कर सकते हो और एडवांस प्रीमियम भी पेमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी रिन्यूअल प्रीमियम जमा करना चाहता हूँ, इसलिए इस पर सिलेक्ट करता हूँ। फिर डन बटन पर क्लिक कीजिए। डन बटन पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। फिर आप कस्टमर वैलिडेशन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे पॉलिसी नंबर दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना है आप दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। मैं फटाफट ये फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, देख लीजिएगा। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, आई एग्री चेकबॉक्स पर चेक कर लीजिए, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, फिर आपके सामने प्रीमियम पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, फिर यहाँ पे आपका प्रीमियम पॉलिसी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। आप चेक कर लीजिए, नाम, डिटेल्स एंड अमाउंट भी चेक कर लीजिए। फिर चेक करने के बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास पॉलिसी के 2-3 पॉलिसी आपके पास है तो एक ही साथ सब जमा करना चाहते हो तो पॉलिसी नंबर यहाँ पे दीजिए, अमाउंट यहाँ पे दीजिए, ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कीजिए। फिर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा। अमाउंट चेक कर लीजिए, पॉलिसी कितना जमा दे रहे हो आप। एक ही पॉलिसी तो यहाँ पे शो करेगा, एक या 2-3 होगा, 2-3 यहाँ पे शो करेगा। फिर अमाउंट चेक कर लीजिए, फिर चेक एंड पे पर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो या डेबिट कार्ड या वॉलेट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो आप चेक एंड पे पर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने ट्रांजैक्शन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे पेमेंट अमाउंट लिखा रहेगा, आप अमाउंट चेक कर लीजिए। फिर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन से पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट और UPI से पेमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा, मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का कार्ड डिटेल्स यहाँ पे दीजिएगा।
फ्रेंड आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप मेक पेमेंट लिखा हुआ पे इस पर क्लिक कीजिए। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी आप यहाँ पे दे दीजिएगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी दे देता हूँ। जी हाँ, मैं ओटीपी दे देता हूँ। फिर आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। देखिए पेमेंट एक्नॉलेजमेंट ये पेज ओपन हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पे। आप इसी को आप स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। फिर आप बैक जाइएगा ट्रांजेक्शन डिटेल में, आप वहाँ पे आप ये रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये मिनिमम पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल दिखा रहा है। मार्जिन ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे है, पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे, पॉलिसी नंबर कितना पॉलिसी है आपका, जितना पॉलिसी का पेमेंट किया है यहाँ पे पॉलिसी नंबर शो करेगा, डेट शो करेगा। फिर आप यहाँ से ऊपर डाउनलोड रिसिप्ट कॉपी लिखा हुआ इस पर क्लिक कीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करता हूँ। ये रिसिप्ट कॉपी पीडीएफ फाइल से डाउनलोड होगा शायद। फिर ये रिसिप्ट कॉपी आप अपने मोबाइल पे सेव करके रखें और प्रिंट आउट करके रख दीजिएगा। इसका अपने मोबाइल सेव करने के लिए आप ऊपर थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर पीडीएफ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, फिर डन बटन पर क्लिक कीजिए। ये आपने मोबाइल पे सेव होकर रह चुका है। आप किसी वक्त आप किसी कंप्यूटर दुकान से आप प्रिंटर करके रख दीजिएगा। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल से डिफरेंट टाइप ऑफ ज्ञान मिल सके। थैंक यू।